कुख्यात गैंगस्टर पपलक गुर्जर को लॉकअप से छुड़ाने में शामिल 10,000 का इनामी बदमाश बलबीर गुर्जर पुलिस रिमांड पर सी कर में पकड़ा गया। उसे आज अलवर कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 दिन के रिमांड पर उसे लिया गया। राजस्थान के सबसे चर्चित बहरोड थाने के लॉकअप को तोड़कर AK-47 से फायरिंग करते हुए कुख्यात बदमाश पपलक गुर्जर को छुड़ा कर ले जाने के मामले में एक दिन पहले पकड़े गए बदमाश बलबीर गुर्जर को शनिवार को अलवर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। पपलक गुर्जर 5 सितंबर 2019 को कस्बे में पकड़ा गया था, जिसे अगले दिन ही उसके साथी बदमाश थाने में हथियारों के बल पर छुड़ा ले गए थे। SOG के SP सिद्धांत शर्मा ने बताया कि झुंझुनू के थाना निवासी बलबीर गुर्जर को सीकर व झुंझुनू पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पकड़ा है। यह 10,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जो 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाने से पपलक गुर्जर को लॉकअप से छुड़ाकर ले जाने में शामिल रहा था। अब इसे सीकर से पुलिस ने पकड़ा है और कई विषयों पर अनुसंधान जारी है। पपलक गुर्जर को पुलिस थाने से भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने अब तक 30 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 जने अभी भी फरार है। हाल ही में पकड़ा गया बलबीर गुर्जर भी पपला को थाने से छुड़ा कर ले जाने की प्लानिंग में था, जो पपला की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के पास उसे छुड़ाने के लिए गया था। उसके बाद ही बदमाशों ने आकर फायरिंग की थी। 5 सितंबर 2019 की रात को बहरोड पुलिस ने गश्त के दौरान कस्बे से पपला गुर्जर को 32 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। उसके अगले दिन सुबह करीब 8 बजे ही पपला गुर्जर को उसके साथी बदमाश थाने पर धावा बोलकर छुड़ा ले गए थे। फायरिंग कर बकायदा लॉकअप को तोड़ा गया। AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग करते हुए पपला को छुड़ा कर भागा ले जाने में सफल हो गए थे। उस दिन पुलिस व अपराधियों के बीच फायरिंग भी हुई। जिले में दिन भर पुलिस बदमाशों के पीछे भागती रही, लेकिन वे पार हो गए। उसके बाद से पपला पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस ने उनकी गैंग के 30 बदमाश पकड़ लिए हैं। अभी 2 और आरोपियों की पुलिस को तलाश है। गिरफ्तार बाद अनुसंधान कल रात को गिरफ्तार किया गया। अभी उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसके 3 दिन का रिमांड कोर्ट से लिया। ये 10,000 का घोषित इनामी था और इसमें पपला गुर्जर को छुड़ाने में जो इसके प्लानिंग थी उसमें शामिल था। ये अभी फिलहाल नहीं हुई, अभी आगे बाकी तफ्तीश चल रही है। ये अभी अनुसंधान चल रहा है, तो इसमें अभी कल रात को ही हमारे पास आया है, तो अभी इसमें तफ्तीश करके जो भी आगे कोई कार्रवाई की। अभी इसमें 2 लोग और रह गए। इसमें 30 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में इसको पकड़ा सीकर के, यहीं से पकड़ा गया।